अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास बलूका कह गए सबके दाता राम। मतलब दास बलूक जी ने कहा कि अजगर को किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, पंछियों को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, सबके दाता राम है, उनका भरण पोषण हो जाता है। कुछ लोग अपने जीवन में इस बात को गलत तरीके से ले लेते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों एक शर्मा जी थे जो एक कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। कुछ दिनों बाद शर्मा जी को प्रभु से लगन लग गई। उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री और सारा कारोबार बंद कर दिया और संत बन गए। अब लोग उन्हें संत के नाम से जानने लगे। अब शर्मा जी सिर्फ प्रभु भक्ति करते थे और शाम को बैठते और अपने अनुयायियों को प्रवचन देते। एक दिन शर्मा जी ने अपने अनुयायियों को अपने व्यवसाय से संत बनने की घटना सुनाई। शर्मा जी ने कहा कि एक दिन जब मैं अपनी फैक्ट्री में बैठा था, उसी समय एक कुत्ता घायल अवस्था में वहां आता है। वो किसी गाड़ी से कुचल गया था जिससे उसकी तीन पैर टूट गए थे और वो सिर्फ एक पैर से घिसटते हुए फैक्ट्री के पास आया। मुझे बहुत तरस आई और मैंने सोचा कि उस कुत्ते को किसी जानवरों के अस्पताल में ले जाऊं। मगर फिर अस्पताल के लिए तैयार होते समय मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं रुक गया। मैंने सोचा कि अगर प्रभु हर किसी को खाना देता है तो मुझे अब देखना है कि इस कुत्ते को अब खाना कैसे मिलेगा। रात तक दूर बैठे मैं उसे देखता रहा और फिर अचानक मैंने देखा कि एक दूसरा कुत्ता फैक्ट्री के दरवाजे के नीचे घुसा और उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। उस कुत्ते ने वो रोटी उस घायल कुत्ते को दी और उस घायल कुत्ते ने रोटी को खाया। फिर ये रोज का काम हो गया। वो कुत्ता रोज कुछ ना कुछ खाने का सामान लाता और उस घायल कुत्ते को देता। घायल कुत्ता रोज उसको खा खा के चलने के काबिल हो गया। मुझे देखकर अपने प्रभु पर अब ऐसा भरोसा हो गया कि मैंने अपनी फैक्ट्री बंद की, व्यापार पर ताला लगाया और प्रभु की राह में निकल पड़ा। और संत बनने के बाद भी मेरे पास पैसे उसी तरह किसी न किसी बहाने आते रहे जैसे पहले आते थे, ठीक वैसे ही जैसे उस कुत्ते को दूसरा कुत्ता रोटी खिलाता था। शर्मा जी की यह कहानी सुनकर उनका एक अनुयायी जोर से हंसने लगा। शर्मा जी ने जब वजह पूछी तो उसने कहा कि आपने तो ये देख लिया शर्मा जी कि प्रभु ने उस कुत्ते का पेट भरा, मगर आप ये न समझ सके कि उन दो कुत्तों में सबसे बड़ा कुत्ता कौन है। जो खाना खा रहा है वो बड़ा है या जो उसको लाके खिला रहा है वो बड़ा है। आप खाना खाने वाले बन गए और अपना कारोबार बंद कर दिया, जबकि आप पहले खाना खिलाने वाले थे, क्योंकि आपकी फैक्ट्री से हजारों लोगों को खाना मिलता था। आप खुद बताइए कि पहले जो काम आप कर रहे थे वो प्रभु की नजर में बड़ा था या अब जो कर रहे हैं वो बड़ा है। उस अनुयायी की बात सुनकर शर्मा जी की आंखें खुल गई और उन्होंने दूसरे ही दिन अपना कारोबार फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी और संत शर्मा जी फिर से व्यवसायी शर्मा जी बन गए। तो दोस्तों हमें अपना कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में भी कर्म को ही महत्ता दी गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।